हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर गीतांजलि। वेलकम टू डॉक्टर गीत हेल्दी नामक चैनल। आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक कॉन्स्टिपेशन के बारे में, यानी से बच्चों में कब्ज की प्रॉब्लम होना। आजकल बच्चों में कब्ज की प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। हम पेरेंट्स को लाइफ में एक बार बच्चों के कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, क्या लक्षण है उसके, क्या कारण है एंड उसको कैसे ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिकेशन, और लास्ट में कुछ आपको हम होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में भी दीजिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, 6 महीने से ऊपर के बच्चों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। बच्चा पहले माँ का दूध पीता है, फिर धीरे धीरे उसका जब अन्नप्राशन कराते हैं, जब उसको फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो बच्चा पहले लिक्विड फॉर्म में खाता है, फिर धीरे धीरे सेमी सॉलिड से सॉलिड एंड बाद में वो दाल चावल रोटी सब्जी सब खाने लगता है। इसी फेज में उसको कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत होने लगती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 6 महीने के बाद बच्चे 2 से 3 बार पॉटी करते हैं, एक को आगे जैसे जैसे उनका एज होता है 1 से 2 बार हो जाता है एंड बार होता है, धीरे धीरे बच्चे कभी एक बार में उनका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। अगर आपका बच्चा डेढ़ दिन में एक बार पॉटी कर रहा और सॉफ्ट स्टूल निकल रहा और साथ में उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, तो वो भी कॉन्स्टिपेटेड नहीं होगा। अब बात आती है कि बच्चे के कॉन्स्टिपेशन हम कब कंसीडर करेंगे, क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण है। पहला पॉइंट, जब आपके बच्चे को पॉटी करते समय बच्चे को इतना दर्द होगा कि वो चिल्लाएगा, उसकी चीखें निकलेंगी। दूसरा पॉइंट, बच्चे का जो स्टूल है यानी पॉटी इतना ड्राई हो जाएगा, उसको काफ़ी ज़्यादा जोर लगा के करना पड़ेगा। बच्चे पॉटी करने को डरने लगेगा क्योंकि उसको वो पेन याद आएगा कि मैंने फर्स्ट टाइम किया तो मुझे इतना दर्द हो रहा था। उसका स्टूल इतना ड्राई इतना हार्ड हो चुका होगा कि उसको निकलने में प्रॉब्लम होगी। कुछ मेरे पास पेशेंट आते हैं कंप्लेन लेके कि उनके बच्चे को पॉटी करना चलता है, उसको पॉटी नहीं हो रही, बस वो चिल्ला रहा है। इसमें अगर बच्चे को अगर वो चीज़ हो चुकी है तो हमें तुरंत ही उस पर फोकस करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा उससे डर जाएगा और आगे चल के अपनी पॉटी को होल्ड करने लगेगा, वो जाके और दिक्कत करेगा। क्योंकि जितना हम पॉटी को होल्ड करेंगे उतनी हमारी पॉटी ड्राई होती जाएगी। अब बात आती है कि हमें कब डॉक्टर की सलाह लेने की तुरंत ज़रूरत है। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन के साथ फीवर आ रहा हो, अगर बच्चा डायरिया अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन है, अगर बच्चे को पॉटी के साथ ब्लड आ रहा हो, अगर बच्चे के एनल एरिया में फिशर्स हो गए हों, अगर बच्चे को भूख प्यास वैसे खाना नहीं खा रहा है, बच्चे का बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस हो रहा है, तो इस केस में हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात आते हैं कि क्या क्या कारण है, क्या क्या कॉजेस है। तो सबसे पहला कॉज, ट्रांजिशन फेज। जब बच्चा मदर ब्रेस्ट मिल्क से जब फूड में जाता है तो उसमें क्या है कि कुछ कुछ बच्चे हैं एक से जब 1.5 साल 2 साल के होते हैं, तो आजकल मोस्टली मदर की पेरेंट्स से कंप्लेन होती है कि उनका बच्चा सही से खाता नहीं है। आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई, बच्चे खाते नहीं खाना, उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता है, तो बच्चे काफ़ी लंबे समय तक दूध ही पीते हैं। तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक दूध लेना उसे समय, वो भी कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। सेकंड पॉइंट, अगर बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग टाइम पे ना दी गई हो, अगर बच्चा अच्छे से पॉटी ट्रेनिंग नहीं हो तो उसको भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है। तीसरा पॉइंट, डाइट। अब बच्चे का डाइट डिपेंड करता है, अगर बच्चा जंक फूड खा रहा हो, सिर्फ खाली मैदा वाली चीज़ खा रहा हो, फाइबर डाइट नहीं ले रहा हो, तो उस केस में भी कॉन्स्टिपेशन होने की प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, बच्चा इस वाटर इनटेक, उसमें बच्चा अगर पानी कम पे, इसके भी कॉन्स्टिपेशन होने की दिक्कत होती है। फिजिकल कॉन्स्टिपेशन, जैसे बच्चे क्या करते हैं कि अपनी पॉटी को होल्ड करने लगते हैं, ये रीज़न हो सकता है मोबाइल एंड टीवी। तो मोबाइल बहुत ही हार्मफुल है बच्चों के लिए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मोबाइल से बच्चों के बिहेवियर में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल और टीवी में इतना खो चुके होते हैं कि उनको पॉटी भी आती है तो बताते ही नहीं, वो होल्ड किए रहते हैं, वो जो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है।
आप बताती है कि कैसे उसको हम ट्रीट करें, तो कॉज के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट करेंगे। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा पॉटी में दर्द हो रहा है, बच्चा जब पॉटी करने गया है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसको ज़्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ रहा है, पॉटी निकल ही नहीं रही है, तो उस केस से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम रेमेडी है बच्चे के आप एनल एरिया में कैस्टर ऑयल या कोकोनट ऑयल लगा दीजिए, सबसे बेस्ट है उसको लगाइए, बच्चे आराम से उसकी पॉटी स्मूथली निकल जाएगी। दूसरा है कि आप है कि बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग हम ट्रेनर्स चालू कर देना चाहिए। मार्केट पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे पॉटी पॉट आए हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चा अगर आपका थोड़ा बड़ा है तो आप उसको बच्चे को आप पॉटी पॉट बैठा के सीखिए। अगर आपके घर पे वेस्टर्न टॉयलेट है तो नीचे स्टूल लगा के उसके बच्चे को बैठाना सीखिए। इंडियन टॉयलेट है तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इंडियन सबसे बेस्ट वे होता है पॉटी करने का। लेकिन आप बच्चे को प्रॉपर एक पॉटी करने का ट्रेन करिए उन्हें। एंड आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा कि जो बच्चों को पॉटी करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम लगता है, क्योंकि उन्हें इतना टाइम देना उनको आदत नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है कि उनको अब ये भी करना वो भी करना, क्योंकि वो एडजस्टेबल नहीं रहते हैं, तो उनको पॉटी पर देर देर तक बैठना अच्छा नहीं लगता। तो आप उस केस में कर सकते हैं कि बच्चों को थोड़ी स्टोरी सुनाइए, उनको कुछ इंटरेस्टिंग वे में उनके साथ जाइए, आप उनको मोटिवेट करिए। एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइट। तो बच्चों का डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको फाइबर डाइट दीजिए, उनको खाने में ओट्स का इस्तेमाल करिए, फ्रूट्स दीजिए, फ्रूट जूस अच्छा आप उनको होल फ्रूट दीजिए, क्योंकि साथ में उसको डाइटरी फाइबर भी मिलेंगे। अगर आपका बच्चा एक डेढ़ साल का हो सकता है दूध पिया, तो उसको दूध देने के साथ में उसको कुछ खाने को भी दीजिए। एंड बोस्ट द मदर्स थोड़ी सी ये गलतियाँ करती हैं, मदर गलतियाँ क्या ये होता है कि बच्चे आजकल सही से खाते नहीं है बहुत से बच्चे, तो मतलब सोचते हैं जैसे तैसे करके खिलाएं, तो वो क्या करती है कि जैसे वो दाल चावल हुआ या खिचड़ी हुई या जो भी, उसको बहुत ज़्यादा जैसे हम जो छोटे बच्चों को 6 to 7-8 months के बच्चों को हम लोग खूब मैश करके उनको सीधे पिलाते ताकि वो गल को, क्योंकि तीत नहीं होता, तो वो उस केस में जब बच्चा 4-5 साल का होता तो भी सोचती हैं कि सीधे उसको मम्मी बस ठूसती हैं मतलब, और बच्चा बिल्कुल वही आदत हो जाती है, तो बहुत सारे बच्चों की हैबिट हो जाती है बड़े तक, बच्चे को ज़्यादा वो हार्ड फूड खा ही नहीं पाते हैं, लेकिन उनको हर चीज़ मैश की हुई चाहिए होती है, तो चीज़ अच्छी नहीं है। आप बच्चों को सिखाइए को अच्छे से च्यूइंग करके अच्छे चबा चबा के खाएं। अगर सारे वेजिटेबल्स दीजिए, अगर छोटा बच्चा है तो उस वेजिटेबल्स को आप अच्छे से पका कर उसको मैश करके आप वो दीजिए। एंड रात में कोशिश करिए कि बच्चों को 1 चम्मच घी जरूर दीजिए उनके खाने में, क्योंकि घी से बहुत अच्छा सा पैरास्टाइटिक मूवमेंट होता है जिससे बच्चे का पॉटी अच्छे से होता है। सो आप घी का यूज़ जरूर करें, क्योंकि बच्चे घी बहुत आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं। फिर बात आती है कि वाटर, बच्चे क्या होता है कि छोटे बच्चे होते पानी बहुत कम पीते हैं, तो अगर छोटा बच्चा है 7-8 महीने का बच्चा, तो उसको आप स्पून से सिप सिप करके 1-2 बार दीजिए पानी। और आजकल ऐसे मार्केट में बच्चों की बहुत अच्छी बॉटल्स आई हैं, तो आप छोटे बच्चे 1-1.5 साल के बच्चों का बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं, उनको जब भी आप याद दिलाते रहिए उनको 1-1 घंटे पानी उनको थोड़ा थोड़ा देते रहिए, धीरे धीरे फिर उनको भी आदत हो जाएगी, फिर खुद ही आपसे डिमांड करेंगे मुझे पानी पीना है, तो आपको उनका पानी का भी टाइम सेट करना पड़ेगा, उनको वाटर इनटेक भी अच्छे से करवाना पड़ेगा। अब लास्ट बात आती है होम्योपैथिक मेडिसिन, तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है एलुमिना। एलुमिना में क्या है कि बच्चे को सॉफ्ट स्टूल भी होता है पर उसको काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है। ये जाते जो बच्चे आर्टिफिशियल फूड खाते लाइक सैलेक्स हुआ, जो बाहर के या पैकेट वाला दूध पाउडर मिल्क पी रहे हैं उसके साथ में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसमें बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सेकंड मेडिसिन आती है नक्स वॉमिका। नक्स वॉमिका एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, इसमें अनइंफेक्चुअल डिज़ायर होती है, मतलब बच्चे को बार बार पॉटी करने की डिज़ायर होती है, तब भी वो सेटिस्फाई नहीं होता, उसका पेट ऐसे साफ नहीं होता है। एंड वो उसके से बहुत इफेक्ट होता है कि जिसमें बच्चे की मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी का काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट चला हो कन्वेंशनल मेडिसिन का, एंड या बच्चा जो छोटा उसके भी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन का कन्वेंशनल मेडिसिन का ट्रीटमेंट चला हो, उसमें बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है नक्स वॉमिका। इसका बच्चा थोड़ा सा गुस्सैल टाइप का होता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ओपियम। ओपियम में बच्चे को पता होता है कि वो कॉन्स्टिपेटेड है, उसके अंदर वो डर समाया होता है कि हम पॉटी करने जाएंगे तो मुझे फिर से वो पेन हो जाएगा, तो उस पेन को याद कर करके वो अपनी पॉटी होल्ड करता है, तो इस केस में ओपियम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ओपियम 30 मेडिसिन है सेलेशिया। सेलेशिया भी अगेन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन में, इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, इससे बच्चे को जो
पॉटी है वो मैकेनिकल निकालना पड़ता है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा निकलता है, बॉल बॉल के शेप में पॉटी निकलती है, बच्चे को सही से पॉटी होती नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लास्ट मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन फोर की 2 टैबलेट सुबह शाम बच्चों को आप दीजिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। एंड जितनी आपको मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है उसकी 30 पोटेंसी में आपको लेनी है। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपके नज़दीक में कोई होम्योपैथिक फिजिशियन है तो आप उससे जरूर कंसल्ट करिए। तो ये तो मैंने आपको इन जनरल मेडिसिन बताई जो मैं अपने मोस्टली क्लिनिक में यूज़ करती हूँ। तो होप्स तो आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकूँ, क्योंकि हमारे चैनल का मोटिवेट है आपको कैसे हेल्दी रख सके, आपको कैसे डिजीज़ फ्री रख सके। आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि हमारे चैनल में आपकी हेल्थ के हर एस्पेक्ट पर डिस्कस किया जाएगा। आपका चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, आपका चाहे वो सोशल हेल्थ हो, आपका चाहे फिजिकल हेल्थ हो, चाहे बच्चों की प्रॉब्लम हो, चाहे मदर्स की प्रॉब्लम है, A to Z सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। बाय, स्टे सेफ, हेल्थी एंड कीप सपोर्टिंग।